नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना से रिलेटेड आपको एक जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमने आवेदन भी कर दिया है, प्रतिष्ठान भी चुन लिए हैं, कोर्स भी चुन लिया, सेक्टर भी चुन लिया, अब ये हमें मिलेंगे कहाँ पर। ठीक है, तो आपने जो जिला सिलेक्ट किया उसी के अंदर मिलेंगे, पर आप बोलोगे कि सर किस दुकान में मिलेगा या किस टॉपिक से मिलेगा, तो यही जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से चेक करें कि जो हमने आवेदन किए हैं वो सेक्टर किस किस जगह पर उपलब्ध है, किस किस जगह पर रिक्त पद हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको देख रहे होंगे रिक्तियां देखे, ठीक है, रिक्तियां देखेगा आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ देर यह लोडिंग लेगा और फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है जो कि मध्य प्रदेश तो है ही। ठीक है, अगर आप दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में करना चाहते हैं तो आउटसाइड एमपी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, पर हम एमपी का देखना चाहते हैं, यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि हमें क्वालिफिकेशन नहीं देखना है, डायरेक्ट सेक्टर से चेक करना है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि ऑटोमोटिव वाला देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको कोर्स अगर करना है सिलेक्ट तो करिए, वरना यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर दिए। यहाँ पर आप जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा जो जिसमें आपको काम सीखना है उसका आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिनिमम 12वीं तो होना, आप इसमें ग्रेजुएशन से भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से भी कर सकते हैं और डिप्लोमा से भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी है जो 12 महीने की है, कुछ 6 महीने की भी है, पर लगभग अधिकतर 12 महीने की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरदा है और डिस्ट्रिक्ट भी हरदा, मतलब हरदा में ही जगह खाली है और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर आपको हरदा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, लगभग ये सभी हरदा की। इस पर एक प्रकार आप दूसरे जिले की भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भोपाल की, आपको देख के बता देते हैं। यहाँ पर हमने ऑटोमोटिव में देख लेते हैं, हम जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला जो है वो चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट है और भोपाल में भी लोकेशन भी यहाँ पर आपको भोपाल ही बता रहा है। ठीक है, मतलब भोपाल में ही ये है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में रिक्त पद है और किसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो यहाँ पर आप उसे एडिट कर चेंज कर सकते हैं। तो यही मेरा मकसद था इसे बताना आपको दोस्तों। और अगर ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये पता चल सके कि रिक्त पद कैसे चेक करें, कि किस कंपनी में रिक्त पद है या कौन सी कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में। नेक्स्ट डे लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।